के बाद चर्चा में आए प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 5 साल के कुछ आंकड़ों से हम आपको रूबरू करवाते हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुसार हर भारतीय को जानने का मौलिक अधिकार है। नरेंद्र मोदी 60 महीने प्रधानमंत्री रहे, जिसमें 565 दिन यानी 18 महीने 25 दिन विदेश यात्रा पर है, 101 दिन यानी 3 महीने 11 दिन पॉलिटिकल यात्राओं पर थे, यानी 565 दिन में कुल 226 दिन तो वे केवल यात्रा ही करते रहे। 15 जून 2014 से 3 दिसंबर 2018 तक मोदी ने 92 देशों की यात्रा की। एक देश की यात्रा पर औसतन 22 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 92 देशों की यात्रा पर कुल खर्च करीब 20 अरब 12 करोड़ रुपए है। देश में चुनावी रैलियों में मोदी वायुसेना का विमान का उपयोग करते हैं, जबकि ये सरकारी यात्रा नहीं होती। इसमें वे वायुसेना के विमान का कमर्शियल रेट 1999 के बाद से रेट रिवाइज नहीं हुए हैं के हिसाब से मात्र 31,000 रुपए का भुगतान करते हैं। बताइए, देश में इनके अलावा किसे इतने रुपए में चार्टर्ड प्लेन किराए पर मिलता है। सत्ता में रहते हुए मोदी सरकार ने 15 मई 2018 तक अलग अलग योजनाओं के मीडिया में प्रचार प्रसार पर करीब 43 अरब 43 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च किए। 2014 और 15 में प्रिंट मीडिया में 4 अरब 24 करोड़ 85 लाख रुपए, डिजिटल मीडिया में 4 अरब 48 करोड़ 97 लाख रुपए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में 79 करोड़ 72 लाख रुपए। 2015 और 16 की बात करें तो प्रिंट मीडिया में 5 अरब 10 करोड़ 69 लाख रुपए, डिजिटल मीडिया में 5 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में 1 अरब 18 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए गए। वहीं 2016-17 में प्रिंट मीडिया में 4 अरब 63 करोड़ 38 लाख रुपए, डिजिटल मीडिया में 6 अरब 13 करोड़ 78 लाख रुपए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में 1 अरब 85 करोड़ 99 लाख रुपए का खर्चा किया गया। अभी सरकारी चैनलों के अलावा नमो टीवी और कंटेंट चैनल आया है, इसमें सिर्फ मोदी के विज्ञापन चल रहे हैं। बाकी आपके पास सरकारी चैनलों में डीडी न्यूज, किसान, मेट्रो, डीडी इंडिया, डीडी नेशनल, डीडी भारती, लोकसभा, राज्यसभा और अरुण प्रभा जैसे चैनल तो है ही। देश के हर प्रांत में हर भाषा के साथ डीडी का चैनल चलता है। इसके जरिए सरकार अपने काम बताकर खुद की ब्रांडिंग करती है। इसका बजट 44 अरब 9 करोड़ रुपए सरकार ने तय किया है। इसके अलावा खासतौर पर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए अलग से ही 28 अरब 20 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट रखा गया है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में DAVP यानी डायरेक्टर ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड विजुअल पब्लिसिटी और DFP यानी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी नामक सरकारी एजेंसियां विज्ञापन बांटने का काम करती हैं। इन्हें यह विज्ञापन देने के लिए 140 करोड़ रुपए का अलग बजट रखा गया है। मोदी जी इन 60 महीने में 22 महीने सफर करते रहे, यानी वे इन 60 महीने के हर 10वें दिन एक चुनावी रैली करते बरामद हुए, यानी हर 9वें दिन एक सरकारी योजना का ऐलान करते पाए गए। जबकि 10 साल की सरकार में मनमोहन सिंह 614 दिन विदेश यात्रा पर रहे और 75 दिन रैलियां की। वहीं मोदी 5 साल में 565 दिन विदेश यात्रा पर रहे और 101 दिन रैलियां करते रहे। मोदी सरकार ने इन 60 महीनों के दौरान कुल 161 योजनाओं का ऐलान किया। पूरी योजना का जितना बजट नहीं था उससे कई गुना ज्यादा इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिया गया। मोदी ने 50 योजनाओं के प्रचार पर करीब 97 अरब 93 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किया। जबकि इस देश में रजिस्टर्ड डिग्रीधारी बेरोजगार की संख्या 12 करोड़ है। ये आंकड़े खुद सरकार के हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट रूप से बताया है कि चुनाव के समय जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है उसमें 46% फंडिंग के बारे में हमें पता नहीं है कि ये कहां से आ रही है और ये कौन कर रहा है। इस फंडिंग का 90% पैसा बीजेपी के पास आ रहा है। ये सीधे तौर पर ब्लैक मनी है। देश में 15वीं लोकसभा सीट के लिए 7 चरणों में चुनाव खर्च की ब्यौरे कुछ इस प्रकार है। 91 सीट 50,000 करोड़ रुपए खर्च, 97 सीट 80,000 करोड़ रुपए खर्च, 115 सीटों पर 82,000 करोड़ रुपए खर्च, 71 सीटों पर 90,000 करोड़ रुपए, 51 सीटों पर 2 लाख करोड़ रुपए, 59 सीटों पर 2 लाख करोड़ रुपए। यानी चुनाव के दौरान हर सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी 5 साल में एक मदारी हमें आंकड़ों के इस महाजाल में फंसाकर सत्ता के मजे लूटता रहा। जब भी किसी ने सवाल पूछने की कोशिश की उसे सत्ता की पावर से धाराशायी कर दिया गया। हम पिछले 5 साल से एक लोकतंत्र नहीं बल्कि मदारियों के बनाए लोकतंत्र में जी रहे हैं। अब अगले 5 साल का फैसला आपके हाथ में है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.